Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're going to watch a short film by Large Short Films. This one is highly requested by everybody and people keep saying it's about you. So let's go ahead and check out School Bag. हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे आए थे हमने वो बहुत सारी गेम्स खेली अली की अम्मी को तंग तो नहीं किया नहीं अम्मी हमने उन्हें जरा भी तंग नहीं किया हमने बस खूब मस्ती की इतना मजा आ रहा था कि वापस घर आने का दिल ही नहीं कर रहा था आपके लिए खाना लगा दें नहीं अम्मी खाना तो हम खा के आए हैं और बहुत सारा केक भी खाया कल आपकी भी तो सालगिरह है हम भी आपके पसंद का खाना बनाएंगे सच्चो बेटा सेवैया भी बनाओगे हाँ फारूक जरूर बनाएंगे अच्छा ये पता है आज सुबह किसका फोन आया था किसका आपका आपू क्या बोल रहे थे कह रहे थे कि हम लोग शाम को तातारा पार्क जाएंगे घूमने का ये ठीक है अब जल्दी से कपड़े बदल ले और हाथ मुंह धो ले हाँ ये लीजिए By the way, मैं recently Rasika Dugal का fan हो गया हूँ मतलब after watching Chutney I've become a really big fan of Rasika Dugal. फारूक आ रहे अम्मी आज फिर आपकी किताब फटी हुई है हर हफ्ते इन पर जिल चढ़ाना पड़ता है आप संभाल के क्यों नहीं रखते आप अपनी कोई भी चीज सलीके से नहीं रखते हमारा आधा वक्त आपकी चीजों को ठीक करने में ही जाया मारते अम्मी तो फिर कैसे फट जाती है रोज आप बड़े हो गए ना थोड़ी समझदारी दिखाया करें चलिए इसको छोड़िए क्या नाम है इसका बटिस्टा बटिस्टा तो कल बड़ी सालगिरह है ना तो उसपे हमको एक नया बस्ता चाहिए हमने आपको दिखाया था ना बाजार में वो वही वाला अच्छी एक्टिंग करा बच्चा यार बहुत अच्छी एक्टिंग करा हमें तो याद नहीं हमने अब बहाने में पड़ गए अब पिछली बार भी आपने हमको कुछ नहीं दिलाया था अच्छा पिछली बार साइकिल कौन लेके आया था अब्बू ने दिलवाया था क्या पर बस्ता तो उन्हें दिलाया था ना मेरे ला दीजिए ना प्लीज आप ये सारी फरमाइशें अपने अब्बू से क्यों नहीं करते हाँ पर अब्बू तो स्कूल के बाद आएंगे और हमें कल ही नया बस्ता लेकर जाओ अच्छा चलिए हटिए बहुत सारे काम है फिर नमाज का भी वक्त हो रहा है चलिए उठाइए उसको हमें नया बस्ता दिला दीजिए वरना हम अबू से शिकायत कर देंगे अच्छा? धमकी तो आप अब हमारी शिकायत अबू से करेंगे बस्ता हम दिलवाए और आपका सारा प्यार अबू को नहीं अम्मी ऐसा नहीं है फिर अब तो आपका बस्ता कल आपके अब्बू ही लेकर आएंगे
यार बेचारा यार फारूक जिद नहीं करते अम्मी हमें नया बस्ता दिला दीजिए वरना हम कल स्कूल नहीं जाएंगे यार ही इज जस्ट लाइक लिटिल फारूक फारूक मेरे भी ऐसे ही नखरे होते थे बचपन में आ गया बस्ता लेके आ गई सरप्राइज बहुत आला कितना टाइट उठा है यार ये जो उठा है ना बहुत आला वेरी गुड यार वेरी गुड हम सब ऐसे ही उठते हैं नहीं जब नहीं उठना होता है यू टेढ़े होके पहले आधी बॉडी फिर आधी बॉडी बाकी फारूक फारूक बेटा अम्मी से बात नहीं करेंगे नहीं यार अपनी सालगिरह पे भी नहीं आप हमसे प्यार नहीं करते ऐसी बात नहीं है बेटा चलिए बाहर आ जाइए हम आपसे बात नहीं कर रहे अरे वाह ये तो वही वाला बैग है यस आई फ्रिकिंग न्यू इट अम्मी 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 आप दुनिया की सबसे लाइट थी अम्मी चुप कर ब्लैक और बताया क्यों नहीं सरप्राइज हम आपको बहुत परेशान करते हैं ना नहीं बेटा माशाल्लाह आज हमारा बेटा 7 साल का हो गया अल्लाह उसे नजरे बंद से बचाए अच्छा चलिए देर हो गई अब से कभी देर नहीं होएगी अम्मी कभी देर नहीं होएगी मैं आपकी सारी बात मानूंगा अच्छा पक्का बहुत आला यार इमोशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है पूरे दिन उसने रोना धोना मचाया कि मुझे बैग चाहिए बैग चाहिए बैग चाहिए Is this about Pakistan? I don't know. A laugh is really, I don't know, maybe.
पिछली वीडियो से अगर कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि चीज़ें देख के जज ना करो उस पर. सो आई डोंट नो, इट कुड बी इंडिया, आई डोंट नो. पाकिस्तानी है यार, गाना भी देखो, वो म्यूजिक भी पाकिस्तानी वाला चल रहा है. अरे वाह फारूक, नया बस्ता. हाँ हमारी मम्मी जाने दे रहा है. फरीदा खाना मैंने. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग फारूक, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप. हमारी सालगिरह है ना. ओ सालगिरह की मुबारक हो. थैंक यू. नया बैग हमारी अम्मी ने दिलाया. ये सब हो रहा है या ये सोच रही है कैसा हो रहा है. हो भी रहा है और ये सोच भी रही है कैसा हो रहा होगा इस वक्त. आई थिंक यार पेशावर नहीं पिशावर. दिस इज अबाउट APS आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हुआ था. Yeah, so that was a short film about the APS attack that happened and kuch jungli darindon ne attack kiya school pe aur 130 something saw se zyada bacche. It was one of the saddest day in the history of the world I think, not just Pakistan, kyunki bacche sare chahe 100 ho ya 1 ho, bachcha bachcha hota hai yaar, ek innocent life. And when I say innocent I mean it in the truest of sense. Yeah, I don't even know what to say. It was a sad short film. I like ke short film mein inhone koi agenda nahi rakha, koi message dene ki koshish nahi thi, koi piche hidden wo nahi tha koi. It was just about a mom and her son jisko ek naya school bag chahiye tha. That's it. Almost 2 saal hone wale hain is incident ko. Log kehte hain ki jo zimmedar the unko maar diya gaya, humne you know unko saza mil gayi hai. Who knows किसको पता है कि किसने करवाया है और किसने किसको सजा दी है. Who knows? What we know for sure is कि 100 से ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चे खो गए, 100 से ज़्यादा बच्चे अपनी ज़िंदगी खो गए जिनका कोई कसूर नहीं था. They were in school just studying.
having fun, enjoying life, learning کہ آگے کیا ہوگا زندگی میں. What killed me about this short film is کہ آخر میں صرف ایک لائن اس کے بچے کی اس کو یاد آتی ہے, اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ مجھے اسکول بیگ نہیں دلائیں گی تو میں کل اسکول نہیں جاؤں گا. That just killed me, yaar. It's a heavy subject. And I tend to get really emotional by just thinking about this incident. I really want to thank the people that made this video. Thank you for making this video. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ بات کرو. I'm lost for words, to be honest. I don't even know what to say to this. It's just a heinous, shameful thing that happened and we couldn't stop it. And we have ourselves to blame for that too. ہمیں کسی اور کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے اس چیز کی وجہ سے. یہ ہمارے اپنے وہ ہیں, بیج ہیں جو ہمیں پھل دے رہے ہیں. Yeah, it was a sad film. It just